हम लोग आए अभी डोडो पिज्जा खाने, खा पी के फ्री हुआ बस, एग्जाम एग्जाम देके सब लोग, और अब पैदल जाएंगे हॉस्टल यहाँ से। थोड़ा बहुत काम भी है। क्या है भाई कैलाश भाई, क्या कह रहे हो? कैलाश भाई बोल रहे हैं कि टैक्सी के पैसे नहीं इसलिए पैदल जाएंगे। गाइस दिस इज माय फ्रेंड श्री शिवा, हाय। और ये है डोडो पिज्जा, ये देखिए ऐसा। ये आपका ये सुलपाक है ना, उधर सुलपाक रहता है, दिखाता हूँ एक सेकंड। ये सुलपाक है ना, ये सुलपाक के जैसे आप सीधे आओगे सुलपाक मॉल टेक्नोम वगैरह, तो यहाँ डोडो पिज्जा मिलेगा। टेस्ट काफी अच्छा है यहाँ का। और ये है विक्ट्री पार्क, अभी यहाँ जाके दिखाते हैं। कैलाश इधर को जा रहा हूँ, उधर को मत जाइयो। बताती हूँ, हम यहाँ की मिलिट्री बेस पे जा रहे हैं, वो देखो बस तोप से उड़ाना है, किसको उड़ाना है ये बताओ, कौन सी कंट्री। देखो भाई ये तोप से उड़ाना, आलिया गिरी किसको उड़ाना है आप तो बता दो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताओ। पूरे वर्ल्ड में कौन सा मैप पे कौन सी कंट्री हटाना? आलिया को 10 मार्क्स मिले भाई प्रैक्टिकल में। बंगाली आलिस बंगाली। देखिए ऐसा बेहतरीन यहाँ पार्क है, यहाँ जाके बैठने बैठने का है। और क्या हाय तो बोल दो, तुम्हारा हाय का इंतजार कर रहे सब। धर्मो भाई हमारे, धर्मो भाई ऑस्ट्रोफ से फेमस है। ये देखिए ये चोर, ये दो चोर जो है ना डोडो पिज्जा से बलून मार ला है। धर्म बोला गाइस मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। धर्मेंद्र भाई गारंटी तो दो। मेरा नाम मुकेश है। इसका नाम मुकेश है, ये पहले तंबाकू खाता था, अफसोस। जो मसाल जल रही है ये इसके अंदर 1998 के अंदर ये मसाल जलाई गई थी और ये कंटिन्यू है अभी भी मेड्रिड सोल्जर्स के लिए। सुबह के टाइम रोशनी में देख नहीं रही हमें, लेकिन जैसे देख रहे हैं ना वैसा हमें समझ में आ रही है इसमें आग। ये जब भी बुझेगी जब यहाँ पे पार्क बंद होगा ये। हाँ सही में चल रही भाई वो, लेकिन दिख देख ना, ये देख दिख नहीं रही, लपटे दिख रही है ऐसे, समझ में नहीं आ रहा लेकिन वीडियो में। ये देखिए एक घोड़े का भी स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इसका मुंह हटा के देखोगे ना आप सिर्फ ऐसे ऐसा लग रहा है। ये देखो लग रहा है ना हाथी है, सूंड देखो लेफ्ट साइड का पैर देखो हाथी है। डायनासोर लगा था फिर हाथी लगा, उसके बाद में ऊंट लगा, लास्ट में दिखा ये बाद में इसका सर जब क्लियर देखा तो पता चला कि हाँ ये तो घोड़ा है, मछली लेके खड़ा है। गाइस हम लोग यहाँ पे आप क्या बर्फ पानी खेलने जा रहे हैं, वो दाम निकलवाएंगे। लाओ भाई आप ये दोनों निकल गए भाई, ला भाई ला भाई। नहीं नहीं अभी अगले में दो दो निकलते हैं एक बार में, एक साथ में एनी टू हम दोनों निकल गए भाई। मैं तो बच गया, अनुषा देगी दाम। अच्छा अमान देगा, अमान दाम देगा भाई, हम लोग तो निकल गए बच गए। अरे तुझे हमें छू के वो बर्फ पानी नहीं खेलेगा तुम्हें, मतलब बर्फ हाँ तो ये रुका रहेगा, ये रुका रहेगा। अगर इसको कोई भी टच करना है तो मुझे कर दिया फिर मैं डांस। अच्छा ठीक है ना, हमें बचना है। अरे बाउंड्री के बाहर नहीं जाना, चलो स्टार्ट। पानी खेलते खेलते गेम भी चेंज हो गया, वो तो कैचर कैचर खेलने पे आ गए, वो आलिया दाम दे दिया भागते हुए सबके पीछे। अभी तक भगी रही है बच्चों को पकड़ते हुए। अनुषा नहीं मिल रहा क्या कोई? चलो भाई आ जा, तू भी आ जा भाई। चलो जा रहे हैं हम लोग अब पानी पीने। कहाँ जा रहे हैं भाई? डोडो पिज्जा वापस, डोडो पिज्जा जा रहे हैं पानी पीने। ये देखिए ऐसे शॉप बनी रहेंगी सेमी में, ये ऐसे आपको रेट लिस्ट पर लिख जाएगी है ना। हम लोग को तो अभी डॉलर है हमारे पास, हमें डॉलर चेंज कराना है,
टेंगे में, यहाँ के करेंसी में हम थोड़ा ज़्यादा निकाल लिए थे एक्स्ट्रा, तो वही $50 चेंज कराने आए, तो चलो यहाँ चेंज हो जाएंगे। मोचना ये बजा, बेल बजा ये। हाँ ये मिल गया अब्दुल्ला भाई को डॉलर 50 के। कितने टेंगे मिले अब्दुल्ला भाई? 2100 क्या हज़ार? $21,000। अब हम लोग जा रहे हैं जनसाया, ये तो दूसरी जैकेट पहन रखी है मैंने, ब्लैक वाली एक बैग में पड़ी है, उसकी चेन वगैरह टूट गई है, वो सुधरवाना है। तो हम लोग मैं अब्दुल्ला कैलाश पे जनसाया जाएंगे, जनसाया भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे ब्लॉग। चलिए बाय। ये है यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। खेलते ना अमन भाई, ये लोग क्रिकेट आके खेलते हैं। अमन क्रिकेट खेलने का जाते हो तुम? यही आता हूँ शाम में, यही तो खेलते हैं ये लोग क्रिकेट। साहब एक आध दिन जब फिर मैच खेलने आएंगे तब बताएंगे वीडियो। हाँ मोटी ये है मार्केट, देखो आप लोकल मार्केट जैसे लगते ना उसी टाइप का है। सनफ्लावर बीज है ये। जनसाहब यहाँ पे हर चीज सस्ती मिलती है, सनफ्लावर सीड्स भी वही काम करता है, बट ये क्या ताकतवर होते हैं भाई सनफ्लावर सीड्स, गर्मी में ठंडक में खाओ खूब। देखिए ये है जनसाहा मार्केट, वहाँ से हम लोग आए अभी सीधा चलते हुए, शूज़ वगैरह पर्स वगैरह सब यहाँ मिलते हैं ना। अभी हम लोग ये अक्षी नहीं है, अगर आपको जैसे मीट वगैरह, और यहाँ शॉप्स भी अच्छी अच्छी हैं, और ये है आपका वो जनसाहा का अंदर और मार्केट है यहाँ पे, मतलब जैकेट्स वगैरह अच्छी यहाँ पे सब सामान मिलता है। यहाँ पे दिखाऊंगा अभी आपको, जैकेट भी हम यहीं सुधरवाएंगे। ऐसे ही लोकल ठेले वाली शॉप से एयरफोन वगैरह ले रहे हैं यार, ये जो अपने में 80-80 रुपये की मिलती है ना, यहाँ मिल रही है 100 रुपये की, 40-50 रुपये वाली जो होती है एयरफोन, ढूंढ रहे हैं अभी। तो हम लोग कर रहे हैं बेहतरीन शॉपिंग, और कैलाश भाई जो है ना पीछे बैठे हैं उदास, उनका दिल टूट गया यार आज। अच्छा आप लोग की दो तीन क्वेरी जो बार बार मेरे पास आ रही थी वो मैं आपकी फिर क्लियर कर देता हूँ। जैसे लोग पूछ रहे थे यूनिवर्सिटी में वाईफाई अवेलेबल है क्या, ये देखिए यूनिवर्सिटी में वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेड कनेक्टिविटी रहती है, तो सबको नहीं मिलता यूज़ करने को। और फिर दूसरी बात ये कि आपको सिम का डेटा यूज़ करना पड़ता है, यहाँ तीन सिम में आती हैं, एयरटेल, बीलाइन और टेली टू, और चार आती है, एक्टिव भी आती है, एक्टिव तो महंगी है। मैं टेली टू यूज़ करता हूँ, नेटवर्क अच्छे हैं, एयरटेल के भी नेटवर्क अच्छे हैं, रिचार्ज भी 4000 टेंगे तक का पड़ जाता है। और हॉस्टल में भी वाईफाई नहीं है, आपको सिम का ही डेटा यूज़ करना है। ये आगे देखिए, ये पूरे लेडीज शॉपिंग का सामान है, ये एक इंडिया के चोर बाजार जैसा है, जहाँ से हम भाई सामान खरीदते हैं। चोर बाजार से तो डबल महंगा सामान है भाई यहाँ पे। ये जेंट्स जैकेट है, ये यहाँ पे इसी टाइप में, ये पूरे जेंट्स में जैकेट ही जैकेट है। मैंने अभी पसंद नहीं आ रही यार कोई सी, डिफेक्टो जो है ना जहाँ हम गए थे वहाँ अच्छी जैकेटें थी, कोटन डिफेक्टो में। और यहाँ है ये दुकान जहाँ हम लोगों ने सिलाई करवाई है जैकेट की, और उसकी थोड़ी बहुत चेन वेन निकल रही थी इसलिए। ये देखिए भाई, ये जो है ना इसे भाई की चेन लगवाई है, यहाँ पे चेन खराब हो गई थी, चेन लगवाई है, 2000 टेंगी, 400 रुपए की, 20 रुपए का काम जो है ना 400 रुपए में होता है यहाँ पे। जैकेट वगैरह सुधरवा ली, ये देखिए यहाँ मछली वगैरह मिल रही है। अब कौन कौन सी क्या ब्रीड है ये तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तब तक खाता भी नहीं। लेडीज काम करती हैं यहाँ पे मोस्टली, आप देखोगे ना लेडीज काम करने वाली देखेंगी, ये आंटी बैठी हैं। ये अब ये है, हमें आपको जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का मार्केट बताया था ना, ये रहा लोकल में, जैसे सुपरमार्केट से सस्ता सामान यहाँ मिलता है और फ्रेश एकदम, जैसे इंडिया में नहीं आती ठेलों पे वैसे उस टाइप में। ये देखो आप जनसाहा के अंदर ही है, बल्क में जैसे लोग लेना चाहते हैं तो यहीं से लेते हैं। मंडी, सब्जी मंडी जैसा ही है ना। हमें तो खैर कुछ लेना ही नहीं, हम तो सामान ले आए थे अभी इकट्ठा ही, घूमते फिरते आ रहे थे, हमने कहा दिखाई दें आप लोग को। कैलाश भाई कहें घोड़ी का दूध लेना है। ये रखा तो उनको डाउट तो हो रहा था कैलाश भाई को, लेकिन घोड़ी का एक ही नहीं पता नहीं। यह देखिए आप जनसाहा में चिकन लेग पीस कैसे ऐसे बाहर रखें खरीदने के लिए, लेग पीस अलग, और ये थाइस पीस अलग,
किलोग्राम पीसीएस तो पीसीएस 1150 रुपए का है एक किलो। ये देखो आप, ये टॉफी का होलसेल मार्केट है इतना बड़ा, दिखाऊँ आपको मैं। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ का, यहाँ पे स्वीट्स और मीठा बहुत फेमस है यार यहाँ। अच्छा टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जब लेने आते हैं टेस्ट कर करके ही ले लेते हैं पूरा। ये देखो इतनी वैरायटी की चॉकलेट्स हैं, ये पूरी जो है ना चॉकलेट ही चॉकलेट जम रही है अलग अलग रेट की उधर तक। ये बिस्किट ही बिस्किट हैं, यहाँ भी बिस्किट है, मीठा सब स्वीट है, पूरा मीठा पास सामान है। यहाँ का फायदा ये कि आप टेस्ट भी कर सकते हो लेने से पहले, लेकिन इतना टेस्ट करेंगे मुँह ही मीठा हो जाता पूरा। और चॉकलेट्स और बिस्किट्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये ले जाता हूँ मैं इंडिया पैक, ये ले जाता हूँ बड़े बड़े डब्बे, ये सब इंडिया ले जाता हूँ पैक करके अच्छे से लगेज में, फिर खाते हैं सब। ये चॉकलेट लिया हमने, ये कजाकिस्तान डार्क चॉकलेट होती है, बहुत टेस्टी, यहाँ की स्पेशल है। एकदम से एक लोकल आदमी मिल गया था, उसको इंडियन रुपीस चाहिए था, हमारे पास पड़े थे हमने दे दिए, उसके बदले में टेंगी देने लगा। अरे ट्रेन जा रही है यहाँ पे पीछे, मालगाड़ी टाइप जा रही है। ये है रेलवे स्टेशन, ये मतलब रेलवे स्टेशन का फाटक है यहाँ पे। रुक जा एक सेकंड आ रहा हूँ। ये टैक्सी है, यहाँ टैक्सियाँ मिलती हैं, ये है मेन रोड जनसायक और ये फ्रंट है जनसायक का। टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है, बस वगैरह सब यही होती है। ओए पैदल जा रहे हैं क्या यार, बस वाले बस से कह रहे थे ना कुत्ते हैं भाई, ये बस से ले जा फिर पैदल ले जा रहे हैं साला, मेरे को पैदल ही चलाते रहते हैं ये लोग। गाइस लाइक, अरे रुक जा रुक जा, बोलो फिर बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।